रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा है। कार्यकर्ताओं ने किया स्मृति ईरानी का स्वागत, लाभार्थियों को सौंपेंगी चेक। ममनी और धरे गांव में लगाएंगी चौपाल, सखा सहाय कार्यक्रम में लेंगी भाग। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा है, जहां कार्यकर्ताओं ने किया है उनका जोरदार स्वागत, जहां लाभार्थियों को स्मृति ईरानी सौंपेंगी चेक। ममुनी और धरे गांव में लगाएंगी चौपाल, सखा सहायक कार्यक्रम में भी भाग लेंगी स्मृति ईरानी। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है, लाभार्थियों को उन्होंने चेक सौंपेंगी, जहां ममनी के धरे गांव में लगाएंगी वो चौपाल, जिसमें सखा सहायक कार्यक्रम में भी भाग लेंगी स्मृति ईरानी। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वो रायबरेली पहुंची हैं और वहां लोगों से मुलाकात कर रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो ओम शंकर, जिस तरीके से रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हैं, वहां पे आज उनका क्या कार्यक्रम रहेगा? कार्यक्रम है बैंक ऑफ बड़ौदा से एक सखा सम्मान कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें वो लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगी। और अभी अभी मुश्किल से 5 मिनट पहले वो इस गांव में पहुंची है। कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प गुच्छ और माल्यार्पण करके स्वागत किया है। जी, और जिस तरीके से लाभार्थियों को चेक सौंपने की जो बात आ रही है, उसमें तक अमूमन कितने लाभार्थी रहेंगे उस कार्यक्रम में, कितने लाभार्थियों को वो चेक सौंपेंगी? हाँ, कम से कम उनकी संख्या 100 के ऊपर है, जिसमें महिलाएं हैं और समूह के लोग भी हैं। अभी पहुंची है, अभी उनके जो है स्वागत कार्यक्रम चालू हो रहा है, अभी थोड़ी देर बाद वो चेक सौंपना और संबोधित करना प्रारंभ करेंगी। तो ये स्मृति ईरानी का जो भी दौरा है वो कितने समय तक रहेगा, कितने दिन के लिए उनका रायबरेली का दौरा है? एक दिवसीय दौरा है उनका ये। बहुत बहुत शुक्रिया ओम शंकर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। रायबरेली पहुंची हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, नवागत डीएम नीतीश कुमार ने राम की पौड़ी और राम कथा पार्क का किया है निरीक्षण, कार्यदायी संस्थाओं को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 31 अक्टूबर तक दीपोत्सव का काम पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई। नवागत डीएम नीतीश कुमार ने लिया दीपोत्सव का निरीक्षण, राम की पैड़ी और राम कथा पार्क का उन्होंने निरीक्षण किया, कार्यदायी संस्थाओं को समय पर काम करने का निर्देश दिया है। 31 अक्टूबर तक दीपोत्सव का कार्यक्रम पूरा करने के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। नवागत डीएम ने लिया है कार्यक्रम स्थल का दौरा, कार्यदायी संस्थाओं को समय पर काम करने के निर्देश दिए हैं। 31 अक्टूबर तक दीपोत्सव का कार्य पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की है। नवागत डीएम नीतीश कुमार ने लिया है कार्यक्रम का स्थल का जायजा। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यदायी संस्थाओं को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। 31 अक्टूबर तक दीपोत्सव का काम पूरा करने के लिए दिए हैं दिशा निर्देश। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कार्यदायी संस्थाओं को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर, रोटी को लेकर होटल में चले हैं कई लाठी डंडे, होटल में फीके बर्तन और मची है अफरा तफरी, दमीजा होटल मालिक ग्राहकों के बीच हुआ है हंगामा, मामूली कहा सुनी के बाद दोनों में हुई है मारपीट। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर, सासनी कोतवाली क्षेत्र के NH 93 पर के पास का है ये मामला, रोटी को लेकर होटल में जमकर चले हैं लाठी डंडे। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक होटल में किस तरीके से लाठी डंडे चले हैं। हमीरपुर में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने युवक को रौंदा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पैदल चल रहे युवक को ट्रक ने रौंदा है, जहां रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। मौके पर हुई युवक की मौत, हादसे के बाद ट्रक चालक हुआ है फरार, गौरा देवी का बताया जा रहा मृतक युवक।
सदर कोतवाली के पेट्रोल पंप के पास की है यह पूरी घटना। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हमीरपुर में देखा है रफ्तार का कहर, जहां अनियंत्रित ट्रक ने युवक को रौंदा है, पैदल चल रहे युवक को ट्रक ने रौंदा है, जहां मौके पर ही युवक की मौत हुई है। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य बाजार में नर्सिंग होम में लगी है आग, भीषण आग से नर्सिंग होम में मचा है हड़कंप, घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। काफी मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के घंटा घर के बेनीगंज का है ये पूरा मामला। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य बाजार में नर्सिंग होम में आग लगी है, जहां भीषण आग लगने से नर्सिंग होम में मचा है हड़कंप, घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। काफी मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के घंटा घर बेनीगंज का है ये पूरा मामला। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भीषण आग से नर्सिंग होम में आग लगी है, जहां काफी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मयंक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो मयंक, जिस तरीके से ये आग लगी है, उस आग लगने का क्या कारण बताया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, ये धारा बनाया शॉर्ट सर्किट की धारा, ये आग लगी है। और पहले हॉस्पिटल के चौथी मंजिल पे जनरेटर रखा हुआ था, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट होने के बाद में इसमें आग लगी। क्या किसी के हताहत होने की भी जानकारी मिली है? क्या किसी कर्मचारी को नुकसान हुआ है? जी नहीं, इसकी जब सूचना मिली कर्मचारियों को, तो वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल हो गया था हॉस्पिटल में, और मरीज इधर से उधर भाग रहे थे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है मरीज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गड़िया रंगीन पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, जहां हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त पर आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे दर्ज थे। अभियुक्तों के पास से तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया। शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गड़िया रंगीन पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, जहां हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे दर्ज थे। अभियुक्तों के पास से तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया है। शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गड़िया रंगीन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।